देखिए हरियाणा में वन मित्रों की भर्ती होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। और सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बात के निर्देश दिए हैं। वन मित्रों की भर्ती को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं, वन मित्र स्कीम के तहत भर्ती की जाएगी। वन एवं वन्य जीव विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में पौधारोपण अभियान की विस्तार से समीक्षा होगी। सीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वन क्षेत्र में अवैध कटाई नहीं होगी सहन, सीएम ने कहा है। वन क्षेत्र में अवैध कटाई सहन नहीं की जाएगी। पौधारोपण के लिए 150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही हर्बल पार्क के लिए भी 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये निर्देश जो हैं सीएम की तरफ से जारी हुए हैं। हरियाणा में वन मित्रों की भर्ती को लेकर भी सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से जानकारी दी गई है। विशेष संवाददाता रवि कालेरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ और जानकारी जिस तरह से बताया जा रहा है वन मित्रों की भर्ती होगी, इसके अलावा पौधारोपण से लेकर अन्य चीजों को लेकर भी कुछ खास दिशा निर्देश मिले हैं और क्या इस पर जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, देखिए मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में वन्य वन्य जीव विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और साथ ही एक वन मित्रों की भर्ती की बात जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो लोग वन मित्रों की भर्ती जो की जाएगी उसमें उसके तहत कहीं ना कहीं तमाम ड्रोन से नियमित मैपिंग की जाएगी। इसके साथ साथ पौधों की देखरेख जो है वो की जानी है, उनकी सिंचाई व्यवस्था की तमाम चीजें करनी है। तो कहीं ना कहीं वन मित्र जो है वो हरियाणा में भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि वन भूमि में आग लगने वाले आग लगने पर बुझाने वालों के जो भी फॉरेस्ट गार्ड होंगे फॉरेस्ट गार्ड से लेकर उच्च अधिकारी तक उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और जिस किसी की भी लापरवाही चलेगी उसको कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं सजा उसको दी जा सकती है और उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो करने की बात की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से बताया गया है कि साल 2024-25 में 150 करोड़ रुपए का बजट पौधारोपण के लिए आवंटित किया गया है, जबकि हर्बल पार्क की अगर बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए खर्च हर्बल पार्क में किए जाएंगे। इसके साथ साथ प्राण वायु देवता स्कीम के तहत 2750 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देने की योजना, जो पेड़ों की पेंशन देने की योजना जो है वो चलाई गई है। इस योजना के तहत अभी तक 3819 जो पेड़ है उनकी पहचान की गई है। ठीक है, तो आज मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बैठक कर रहे थे और बैठक के बाद ये जानकारी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से, दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम अधिकारियों को दिए गए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया रवि आपका, तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसके बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए गए हैं।